आजादी से पूर्व लैंसडाउन में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज, जो कि आजादी के बाद अब राजकीय इंटर कॉलेज लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है। स्थानीय निवासी राजीव धसमाना ने बताया कि 1937 में अंग्रेजों ने इस विद्यालय का निर्माण करवाया था। वहीं अगर स्कूल की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ ना तो बैठने के लिए उचित कोई व्यवस्था है और न ही खेलने के लिए कोई ग्राउंड है। इतना ही नहीं, स्कूल में लैब की भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। बताया गया कि स्कूल के संबंध में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई जा चुकी है, जिसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजीव धसमाना ने बताया कि जानकारी के अनुसार विद्यालय को एक निजी फाउंडेशन को 99 साल की लीज पर दिया गया है और निजी फाउंडेशन द्वारा 11 करोड़ की धनराशि से आवासीय विद्यालय के स्वरूप को बदलने के लिए स्वीकृति दी गई थी, जबकि अब तक मात्र 3 करोड़ रुपए की राशि ही स्कूल में लगाई गई है। बाकी 8 करोड़ रुपए कहां गए, इसका किसी के पास भी कोई हिसाब किताब नहीं है। धसमाना ने विद्यालय को प्रदेश सरकार के संरक्षण में चलाए जाने की मांग की है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार जल्द ही मांग पूरी नहीं करती है तो अभिभावक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ के बच्चे ऐसे ऐसे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं जहाँ जहाँ आपस में करते कि बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है, जाड़ों में वहाँ धूप तक नहीं पहुँचती है। नंबर 3, वहाँ खेलने का ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर तो देख लीजिए आप, यहाँ पर एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड उधर भी है, वहाँ नहीं जा सकता बच्चा, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है। एक पीरियड में कितना होता है, 30-35 मिनट होते हैं, तो वहाँ ग्राउंड में जाकर नहीं खेलते। तो छोटे से उसमें थोड़ा बहुत हैंडबॉल टाइप का खेलते हैं बच्चे।